हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, रियलमी GT यूज़र्स के लिए यहां पर एक गुड न्यूज़ है। रियलमी GT के लिए रियलमी वाई 3.0 जो कि बेस्ड एंड्रॉयड 12 पर उसकी ओपन बीटा की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो अगर आप भी दूसरे यूज़र्स से पहले इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी कम्प्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप इस अपडेट को करते हैं तो आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इसके स्टेबल अपडेट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कब तक जो इसका स्टेबल अपडेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं अप्लाई करने की कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट वाले पेज पर जाना होगा। वहां पर राइट साइड ऊपर में आपको एक सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा। आपको उस आइकन पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें कि ट्रायल वर्जन लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उस ट्रायल वर्जन पर क्लिक करना है तो फिर एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको ओपन बीटा लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उस ओपन बीटा पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक एप्लीकेशन नोटिस ओपन हो जाएगा जिसमें नीचे अप्लाई बटन का आपको ऑप्शन दिखेगा। आपको सप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी जैसे कि ईमेल आईडी। आपको वो डिटेल्स को फिल करना है और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पे चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और डन कर देना है। जब आप ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रियलमी के पास रिव्यू के लिए जाएगी। जब रियलमी इसको रिव्यू करके अप्रूव करेगा तब ही आपको ये अपडेट जो है आपके फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं होती है तो फिर आपको इसके स्टेबल अपडेट के आने तक का वेट करना होगा, क्योंकि जो ओपन बीटा का प्रोग्राम है उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं तो सारे यूजर्स को ये जो ओपन बीटा है वो नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपको फिर वेट करना होगा उसके स्टेबल अपडेट के आने तक का। तो दोस्तों, ये तो इसकी प्रोसेस हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस अपडेट को कर दें तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो 60% से अबव होनी चाहिए इस अपडेट को करने के लिए, नहीं तो आपका जो अपडेट है वो फेल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका फ़ोन जो है वो रूट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में मिनिमम 5GB का स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आपका अपडेट जो है वो फेल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं आपको उनको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो बहुत सारी एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड 12 के साथ कंपेटेबल ना हो, तो इसलिए आपको पहले ही इसको अपडेट कर लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि किसी भी डेटा लॉस से बचने के लिए आपको अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो अपडेट है वो बीटा का अपडेट है, यानी कि इसमें बहुत सारे बग्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आपका फ़ोन जो है वो कुछ अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर इम्पैक्ट आपको कर सकता है। आप जैसे अभी तक अपने फ़ोन को डेली यूज़ कर रहे थे वैसा यूज़ करने में आपको दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसमें बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो या फिर ऐप क्रैश हो जाए या फिर और भी बहुत सारे इशूज़ इसमें सकते हैं, क्योंकि ये एक बीटा अपडेट है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं तो ही आपको इस अपडेट को करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसके स्टेबल अपडेट के आने तक का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अब बात करें कि इसका स्टेबल अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो ओपन बीटा रिलीज होने के बाद कम से कम 2-3 महीने का टाइम इसमें भी लग सकता है। डिपेंड करेगा रियलमी पर कि वो कितनी जल्दी बग्स को फिक्स करके इसका स्टेबल वर्जन रिलीज़ करता है, लेकिन कम से कम 2-3 महीने का टाइम जो है इसमें लग सकता है, ऐसा जनरली टाइम इसमें लिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ यही इन्फॉर्मेशन को शेयर करना था। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।